हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन वाईफाई स्टडी यूपीएससी वेयर चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। और आप जानते हैं जैसा हम लोगों ने कहा था, यूपीएससी एज फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए क्रैक प्रीलिम्स इन 75 डेज का प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। कोई भी झूठ हम लोगों ने नहीं बोला है, जैसा हम लोगों ने बोला था वैसा हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। और विश्वास रखिए इस बार हम लोग डेफिनेटली करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रैक प्रीलिम्स। डेफिनेटली जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेफिनेटली करने के लिए जा रहे हैं। चलिए आपका वक्त ज़्यादा जाया ना करें, हम सबसे पहले आइए हम लोग को कुछ आपको प्रोग्राम के बारे में बता दें कि एक्जैक्टली हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, फिर हम लोग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए आ जाइए हम लोग चलें क्लास की तरफ। चलिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस प्रोग्राम, चलिए हम इस कार्यक्रम में क्या करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ इसकी चर्चा भी करेंगे हम लोग, और लास्ट में फिर से हम लोग क्लास के बारे में चर्चा कर लेंगे कि ये प्रोग्राम हम लोग का किस उद्देश्य से लाया गया है। इसके बाद चर्चा तो हम लोगों ने पहले भी कर रखी है और फिर लास्ट में भी हम लोग करेंगे, लेकिन बिना वक्त जाए कि आइए हम लोग पहले देख लें कि इस प्रोग्राम में हम लोग करने क्या वाले हैं। देखिए हमारे साथ जो आप करेंगे ये हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। और ये भी चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लासेस होंगी, इसके लिए भी बेफिक्र रहिए एकदम। भारतीय राज्य व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं मेरे साथ आप करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। थर्ड जो हम लोग बात करने वाले हैं एनजीओज। फोर्थ जो हम करने वाले हैं एग्रीमेंट्स। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उन सबों की चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो आज ये फटाफट सेशन को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, ये प्रोग्राम अल्टीमेटली आपके लिए ही है। आइए देखिए हम लोग जो पहला टॉपिक, कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताई थी पहली बार भी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे 75 डेज के प्रोग्राम के बारे में, तो हमने कहा था आपसे कि पूरी जो लक्ष्मीकांत सर की किताब है उसमें कुल मिलाकर 80 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। उन 80 चैप्टर्स को हम लोग कैसे कम से कम समय में करेंगे, इसके लिए हमें पूरी की पूरी किताब को क्या करना होगा, कुछ जो है मॉड्यूल में बांटने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां जो पूरी किताब है उसको हम क्या करेंगे, कुछ 14-15 टॉपिक्स में हम क्या करेंगे उसको सम अप करेंगे, ठीक है। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छूटेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, अभी उसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है वो है प्रियाम्बल, प्रस्तावना उद्देशिका, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। प्रियाम्बल प्रस्तावना उद्देशिका, ठीक है। अब देखिए इस बार के एग्जामिनेशन के लिए क्यों प्रियाम्बल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लें। ये आपको याद होगा अभी कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, हैज मेड रीडिंग ऑफ प्रियाम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी इन ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। आपको यह मालूम होगा कि अभी हाल में महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है कि जितने भी उसके प्राथमिक स्कूल है और जो माध्यमिक स्कूल हैं उन सबों में जो प्रस्तावना है उसको अनिवार्य रूप से पढ़ना, यानी कि पठन जो है अनिवार्य कर दिया है। इसलिए इस बार 2020 के एग्जामिनेशन में, यूपीएससी 2020 में, हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रियाम्बल से आपको कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा, प्रस्तावना से देखने को मिलेगा, ठीक है। यह है आपका प्रस्तावना, यह है आपका प्रियाम्बल, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता रखा और आज फिर से बता रहा हूं कि प्रस्तावना इन इंग्लिश प्रियाम्बल आपके बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, कंठाग्र होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, बिल्कुल याद करके रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो पहला टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड प्रियाम्बल प्रस्तावना उद्देशिका, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करें, जो नेक्स्ट हमें बात करना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप के बारे में बात करें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि नागरिकता क्यों इस बार महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के बहुत सारे क्या हैं विवाद होते रहे, अप्रोर ऑन जो है सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पे हुआ है, इसलिए ये हमारे इस बार बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट जो है, ये जो एक्ट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नागरिकता संशोधन अधिनियम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसकी चर्चा भी हम लोग विस्तृत करेंगे। अब इसी के साथ हम देखेंगे क्या कि कुछ इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं इसको हम लोग यहीं कवर करेंगे, जबकि आप जानते हैं कि इमरजेंसी हमें पढ़ना होता है राष्ट्रपति के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही इसको इमरजेंसी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको शायद मालूम होगा कि केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, केरला की सरकार ने वहां की विधानसभा में यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में अगर हम लोग बात करें तो एंटी क्या किया है, रेजोल्यूशन पास किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए, ये बिल है वो एक्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। और आपको शायद मालूम होगा कि जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके लिए एक आधार यह भी बताया गया है आर्टिकल 365 के अंतर्गत कि अगर कभी कोई भी केंद्रीय कानून अगर होता है या संसद के द्वारा कोई भी पारित कोई भी अगर कानून होता है, कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ होता है, कोई भी अगर केंद्र का डायरेक्शन होता है, अगर सेंटर स्टेट उसको अगर लागू नहीं करती है तो एक कारण बन जाता है कि राष्ट्रपति शासन वहां पर इंपोज किया जा सके। इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, इमरजेंसी को भी पढ़ेंगे, आपातकाल को भी पढ़ेंगे, केरला का इशू है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट हैं उनके भी इशूज हैं, उन सबों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। सो सिटीजनशिप नागरिकता, नेक्स्ट आ जाइए, केरला पासिस एंटी CAA रेजोल्यूशन, यानी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रेजोल्यूशन है उसकी चर्चा भी हम लोग डिटेल में यहीं करेंगे, और इस तरह करके हम लोग क्लब करते चलेंगे। ये आपका केरला विधानसभा का इमेज है,
नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, ऑल टाइम हिट है हमारे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए. ऑल टाइम हिट है, ठीक है ना, हमेशा ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. सो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग डिटेल में बात करेंगे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार भी आप देखेंगे कि एक जो प्रश्न है आपके लिए इस बार बनने की पूरी संभावना है इंटरनेट एक्सेस को लेकर के. इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आया है. सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था क्योंकि आपको मालूम होगा कि जैसे आर्टिकल 370 को सुपरसीड किया गया था रिवोक जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पर इंटरनेट को काफी लंबे समय तक के लिए बैन करके रखा गया था. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक रूलिंग दिया कि इंटरनेट एक्सेस जो है इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है. यहां से भी इस बार हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा. सो यहां भी हम लोग फोकस करेंगे. हम लोग एज अ होल पूरे मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है इंटरनेट एक्सेस के बारे में, यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सवाल आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा. सो ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा है पूछने की, और हमेशा किसी ना किसी कारण से जो मौलिक अधिकार है वो न्यूज में रहता है. सो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं. नेक्स्ट देखते हैं डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य. मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये भी आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट है. डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ये है डीपीएसपी. इसके क्लासिफिकेशन को भी आपको ध्यान में रखना है, फोकस करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट फिलोसफी हैं जो आपके डीपीएसपी के लिए काम करने. पहला है आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा है गांधियन, और तीसरा है वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी, या इसी को बोलते हैं लिबरल प्रिंसिपल्स. तो इन सबों के बारे में सारे इन्स एंड आउट्स के साथ, सारे डिटेल के साथ, सारे माइन्यूट डिटेल्स के साथ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. सो आपका डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और आप अपनी तरफ से काम क्या करने वाले हैं कि कंठाग्र करेंगे, बिल्कुल याद करके रखेंगे कि क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं. मैंने पहले भी आपको बता रखा है, कुछ प्रश्न भी मैंने आपको करवाए हुए हैं जहां मैंने बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटी का सीक्वेंस भी आपको याद रहना चाहिए कि किस किस सीक्वेंस में फंडामेंटल ड्यूटी किया गया है, आपके संविधान में रखा गया है, ठीक है. बाकी जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसकी चर्चा तो हम लोग करने ही वाले हैं. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि अभी देखें यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. प्रेसिडेंट, फर्स्ट हम देखें बात करें तो प्रेसिडेंट, नेक्स्ट हम लोग बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव में तो वाइस प्रेसिडेंट, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अटॉर्नी जनरल, ये आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव है. जब हम लोग बात करते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, तो यहां भी हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे. सो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद के साथ साथ प्रधानमंत्री भी आ करेंगे. प्रधानमंत्री भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिस्सा होते हैं, ही इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं. नेक्स्ट देखेंगे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं. सो एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक. सो ये हो गया, ये है आपके पास, ये राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति अब देखेंगे, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल. अटॉर्नी जनरल के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कैग के बारे में भी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में. सो ये हमारा होगा. नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में. यूनियन लेजिस्लेचर में पहला राज्यसभा, देन आपके पास लोकसभा. जानते हैं कि हमारे यहाँ विधायिका केंद्रीय विधायिका के रूप में आती है. जितने भी हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं, विनियमन होते हैं, उन सबों का काम कहाँ से होता है, पास बिल जो विधेयक पास होता है वो राज्यसभा और लोकसभा से होता है. सो इसकी भी डिटेल चर्चा हम लोग करने वाले हैं. कहाँ करेंगे अभी हम लोग, सो इसी के अंदर करने वाले हैं. सो ये आपका पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, इसको भी हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, राइट. नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं जुडिशरी, न्यायपालिका. और आप जानते हैं कि जुडिशरी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि इन पिछले एक दो वर्षों में, या इनफैक्ट पहले से भी, जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि जो न्यायिक सक्रियता है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है. कई मामले में जुडिशियल रूलिंग्स हमारे लॉ का काम करता है, जहां विधायिका और कार्यपालिका क्या कहते हैं वहां अपना यथेष्ट कार्य नहीं कर पाती है, तो वहां न्यायपालिका आती है और न्यायपालिका अपनी कई रूलिंग्स लेकर के सामने आती है. तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी हम लोग बात करेंगे. और इनफैक्ट मैं आपको यही बता दूं कि जब फंडामेंटल राइट्स बात करेंगे तो जितने भी हमारे पास जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, जितनी भी रूलिंग्स हैं, उसमें से आधे से ज्यादा हम लोग फंडामेंटल राइट्स में ही कवर कर लेंगे. लगभग लगभग 20 से 25 हम लोग कवर करने वाले हैं फंडामेंटल राइट के अंदर ही, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बारे में, न्यायिक जितने भी जजमेंट्स हैं उन सबों के बारे में, ठीक है. सो न्यायपालिका में हमें तीन पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, ये तो हो गया. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट, नेक्स्ट हमें बात करना है सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में. इसके अलावा दो टॉपिक और हम लोग बात करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक है PIL, दैट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका, राइट. देन हम लोग बात करेंगे लोक अदालत, दैट इज इवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मालूम होगा कि PIL को लेकर के कई मसले अभी हाल हाल में सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपने रूलिंग्स दी हैं, इसकी चर्चा हम लोग सारे के सारे करंट के साथ रिलेट करके बात करने वाले हैं, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से भी इस बार UPSC 2020 के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में
आप देखेंगे और निश्चित तौर पर आप यहाँ से प्रश्न पाएंगे. सो जुडिशरी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हम लोग इस 75 डेज के कोर्स में क्या करने वाले, हाई फ्रिक्वेंसी जो क्वेश्चन उसको तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ जो करंट में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जिसका रेलेवेंस है, उन सबों की चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं. सो आइए हम लोग इन पूरे जुडिशरी को बिल्कुल ही एग्जॉस्टिवली अभी करेंगे, साथ मिलकर करेंगे. नेक्स्ट जुडिशियल एक्टिविज्म, एक अलग से टॉपिक ही मैं पढ़ाऊंगा इन सबों को करने के बाद, राइट. जुडिशियरी के बाद अगर हम लोग बात करें, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग आप लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे. इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल करना है. राज्य विधानमंडल में विधान परिषद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको मालूम होगा. जम्मू एंड कश्मीर में भी विधान परिषद थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया. और कुछ स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद के बनने की बात की गई है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे. सो लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इस बार फिर से जो विधान परिषद है वो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है. सो इसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा. नेक्स्ट देखते हैं गवर्नर, राज्यपाल. राज्यपाल बहुत ज़्यादा फिर इंपॉर्टेंट हमारे लिए. अब एक चीज़ और भी है, जैसे हम लोग राज्यपाल बात कर लेंगे तो एक अक्सर एग्जामिनेशन में आप देखेंगे पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कंपैरिजन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. राष्ट्रपति और जो आपके गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, उन दोनों के पद के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. क्योंकि कंपैरिजन से भी कई बार पीटी में सवाल आप देखेंगे कि आपको देखने को ज़रूर मिलता है. और इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से सवाल आपको ज़रूर ज़रूर देखने को मिलेगा, राइट. सो नेक्स्ट आ जाइए, हम बात करें लोकल गवर्नमेंट के बारे में. लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन के बारे में, लोकल गवर्नमेंट, राइट. लोकल गवर्नमेंट हो गया. नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सरकार के प्रकार. यहाँ हमें दो तरीके की सरकार के ऊपर बात करना है, एक तो बात करना है यूनिटरी और दूसरा बात करना है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, यानी कि एकात्मक सरकार. और दूसरा हमें जो बात करना है वो संघीय शासन पद्धति के बारे में बात करना है. और ये भी ऑल टाइम हिट जो है सो आपके लिए क्या है, सवाल बनता है यूपीएससी पीटी के लिए, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी. सो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, ठीक है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो बात करेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं. केंद्र राज्य संबंध, और केंद्र राज्य संबंध आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. दूसरा इस बार फिर से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुसूची, शेड्यूल्स. अनुसूची के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, शेड्यूल्स के बारे में, शेड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है. खास करके अभी आप जानेंगे कि यहाँ पर आपके पास शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है तो आपको शायद मालूम होगा, लद्दाख जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब है यानी कि जो अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग है, उसने रेकमेंड किया है कि लद्दाख को भी क्या करना चाहिए, अनुसूची 6 में शामिल किया जाना चाहिए. तो ये एक तो ये वजह है जिसकी वजह से शेड्यूल 6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑफ लेट अभी जो है ये न्यूज़ में रहा हुआ है. यानी कि हाल हाल में लद्दाख का क्यों इंपॉर्टेंस है, सॉरी शेड्यूल 6 का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि लद्दाख को क्या किया गया है, शामिल करने की बात कही गई है. और ये किसी और ने नहीं रिकमेंड किया है बल्कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ने कहा है, यानी कि NCST ने कहा है, ठीक है. उसके बाद हम लोग देखें तो हम देखेंगे इनर लाइन परमिट के बारे में बात हो रही है. इनर लाइन परमिट, इसमें इनर लाइन परमिट में देखेंगे क्या, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये तीनों के तीनों आते हैं, ठीक है ना. और इसमें जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इन तीन राज्यों में प्रसारित नहीं किया जाएगा, इसलिए इनर लाइन परमिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से जुड़ा हुआ है शेड्यूल 6 और 5 दोनों के दोनों, ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. उसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स रह गए हैं तो इसको हम लोग भी चर्चा करने में शामिल करेंगे. कुछ अगर रह गए हैं तो इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं आपके पास. आपको मैं पहले बता दूं कि अभी GS पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आता है मेंस के लिए भी. इसके लिए बुक्स मैंने पहले भी बता रखा, फिर से बता दे रहा हूँ, एम लक्ष्मीकांत NCERT 11 12th ये मैंने रेकमेंड किया था आपको, राज्यसभा TV विशेष और बिग पिक्चर, उसके क्लासेस बाय मी पवन सर, ठीक है. उसके आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस है आपके पास, इग्नू के मटेरियल्स के लिए आपको पढ़ना चाहिए, न्यूज़ एनालिसिस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं, सेकंड ARC की रिपोर्ट पढ़नी है आपको, क्लासरूम नोट्स पढ़ना है, न्यूज़ एनालिसिस करना है, ठीक है. अब देखिए ये इतनी चीज़ें आपको 75 डेज में आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना. ये PT और मेंस दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इतना आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है. इसलिए आप बिल्कुल भरोसा रखें कि ये जो 75 डेज का क्लास है इसमें मैं जितने भी क्लासेस लूंगा इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं. और आप यकीन मानिए कि आप इस बार नहीं चुकेंगे, बिल्कुल हम लोग आपका पूरा का पूरा इस बार PT सुनिश्चित जरूर करवाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए, सो दिस इज द टॉपिक्स, आप देख लीजिएगा एक बार इसको, आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, रख लीजिएगा. नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, ये एक बिग क्वेश्चन होता है आपके लिए. ये आप कहूंगा नहीं कि अभी अब हम लोग जो 5-6 घंटे का क्लास लेकर आ रहे हैं
इतना तो आपको हमारे साथ रहना ही रहना है, और साथ ही साथ जो पर डे हम लोग पढ़ाएंगे उसको उतने ही देर में आपको रिविजन भी करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर अब हम 5 घंटे पढ़ा रहे हैं, 6 घंटे अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो आप 12 घंटा पढ़िए, 5 घंटा हमारे साथ रहिए, 5 घंटा खुद के साथ रहिए, क्योंकि जो दिन भर में हम लोगों ने पढ़ाया उसको रैप अप करते रहिए, बिल्कुल उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, सभी लोग बात समझ पा रहे हैं? सो हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, इट अप डिपेंड्स ऑन यू, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, ठीक है। लेकिन मैं यहां कहूंगा कि अब कम से कम आप 12 घंटे जरूर पढ़िए, 6 घंटे हम पढ़ाएंगे, 6 घंटे आप पढ़िए, हम मिल करके पीटी सुनिश्चित करेंगे, इसी तरीके से हम मिल करके मेंस भी सुनिश्चित करेंगे, और आगे चल के इस बार ने चाहा तो हम लोग इंटरव्यू भी सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट आइए, अब आ जाइए हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज का एक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है ना। अभी मैंने आपसे बताया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के वक्त कि हमारे लिए प्रेसिडेंट रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट्स रूल के ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कई ऐसे वाक्य हुए हैं जहां पर प्रेसिडेंट रूल की स्थिति बनी है, हालांकि वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, कुछ जगहों पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है। तो भाई इसमें देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में, क्या क्या प्रावधान है, ठीक है ना, ये प्रोविजन हमें बात करना है। फिर क्या आधार है, क्या ग्राउंड है, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ग्राउंड के बाद हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बारे में, ठीक है ना, संसदीय स्वीकृति के बारे में। फिर हम बात करेंगे रेस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो संसद है उसकी शक्तियों के ऊपर क्या क्या अंकुश लगाए जा सकते हैं, रिवोकेशन, यानी कि कैसे राष्ट्रपति शासन को हटाया जाता है, ठीक है ना। लगता क्या है कि सारी चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें भी मिलने वाली हैं जो यूपीएससी पीटी के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एंड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है क्या इसकी न्यायिक समीक्षा संभव है, इसकी चर्चा भी हम लोग जस्ट अभी करने वाले हैं, राइट। आ जाइए, सो देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो अब थोड़ा सा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी चर्चा कर ले हम लोग। राष्ट्रपति शासन, यानी कि आज का एपी का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, किसके ऊपर में, सो राष्ट्रपति शासन के ऊपर में, इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है इसको समझते हैं हम लोग हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो देखिए साहब एक अनुच्छेद है आपके पास, अनुच्छेद 355, ठीक है। 55 क्या कहता है कि ये केंद्र की ये जिम्मेदारी है कि क्या करे, कि हर एक स्टेट में वो ये करे, सुनिश्चित करे कि वहां की जो सरकार है, ठीक है, वहां की जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार चल रही है, ठीक है ना। सो आर्टिकल 355 सेज दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये बात क्या करता है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन को अगर हम समझें, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रावधान है, ये जो अनुच्छेद है 355, वो केंद्र सरकार को इस बात की शक्ति प्रदान करता है कि कभी भी वो क्या करे, किसी भी राज्य में जो है सो राष्ट्रपति शासन लगाए, लेकिन उसके लिए आधार ये होना चाहिए कि वहां पर उसकी जो सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग चल पा रही है या नहीं चल पा रही है, ये देखना उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, अब एक चीज और हम बता दें कि 355 दे करके केंद्र को इतनी शक्ति क्यों प्रदान की गई, कभी आपने सोचा कि 355 दे करके केंद्र को इतनी शक्ति क्यों प्रदान की गई है, क्योंकि राज्यों में भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार होती है, ठीक है ना, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, फिर केंद्र को क्यों दिया गया इतनी शक्ति। तो आपको बता दें हमारे यहां 355, 356, 365 यानी कि जो राष्ट्रपति शासन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो इसलिए रखी गई हैं, उसके पीछे का एक बहुत ही साउंड बेसिस है। दरअसल क्या है कि हमारे संविधान में यह कहा गया है, या लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करें तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता की बात यह होती है कि आप क्या करें वहां पर लोकतंत्र में, कि जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है वो व्यवस्थित होकर काम कर सके। अगर कभी वहां पर कोई क्राइसिस अगर आता है तो केंद्र की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी डार्क क्राइसिस के समय में जब कभी भी वहां की सरकार अगर राज्य की नहीं बन पा रही है तो केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या कर सके, बहाल कर सके। ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसके साथ, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। सो इन द टाइम ऑफ डार्क क्राइसिस इट इज द सेंटर दैट इंपोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, ठीक है। सो 355 का बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट है, हालांकि इन दिनों इसका मिसयूज होने लगा है, इसे कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब संविधान निर्माताओं ने, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने राष्ट्रपति शासन को हमारे संविधान में शामिल किया, अनुच्छेद 355 की बात कही गई, 356 की बात कही गई, 365 की बात की गई, तो उसके पीछे का आदर्श बहुत ही नॉबल था, ठीक है ना, उसकी विस्तृत चर्चा भी अभी हम लोग करेंगे। अब देखिए क्या क्या आधार हैं, अब आपको यह भी जानना है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के क्या आधार होने चाहिए। तो हमारे संविधान में साहब दो आधार दिए गए हैं, दो आधार बताए गए हैं राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए, ठीक है ना। सो देयर आर टू ग्राउंड्स टू प्रोक्लेम प्रेसिडेंट्स रूल। पहला है आधार कहां, तो पहला आधार है जो आप सभी लोग जानते हैं वो है अनुच्छेद 356 का, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन से आप लोग परिचित हैं, ठीक है। दूसरा आधार जो हमारे पास है वह अनुच्छेद 365 का,
आर्टिकल 365 का, ठीक है ना। सो दो हमारे पास अनुच्छेद हो गए, आर्टिकल 356 और दूसरा हो गया आर्टिकल 365, ठीक है। अब हमें यह जानने की भी कोशिश करनी होगी कि 356 में क्या बातें कही गई हैं और 365 में क्या बातें कही गई हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है ये राष्ट्रपति शासन के लिए क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। जो हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है ना, संवैधानिक प्रावधान है, उसकी चर्चा जो है ये क्या करता है, ये दोनों का दोनों आर्टिकल हमारे यहाँ करता है, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन करता है, आर्टिकल 356 और 365। अब ये भी हमें समझना होगा कि 356 में क्या लिखा गया है और 365 में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले बात करते हैं हम लोग 356 के बारे में, एग्जैक्टली 356 में क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए 356 में यह कहा गया है साहब कि empowers the president to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, ठीक है ना। अब देखिए 356 में कहा गया है कि अगर कभी भी राष्ट्रपति को इस बात का एहसास हो जाए कि किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था जो है सो गड़बड़ हो गई है, यानी कि संवैधानिक तंत्र के हिसाब से जो संवैधानिक तंत्र है उसकी विफलता हो चुकी है, सरकार एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वहां नहीं चल पा रही है, तो यहां पर राष्ट्रपति को इस बात के लिए शक्ति प्रदान किया गया है कि वो अपने संतुष्टि के आधार पर क्या कर सके, यहां पर मैं क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। आमतौर पर हम लोग इस बात को समझते हैं कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसके लिए राज्यपाल की तरफ से एक रिक्वेस्ट आता है, एक इनविटेशन आता है कि यहां पर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, फिर राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमेशा राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते, इसके लिए दो आधार हैं। कई बार प्रेसिडेंट का सैटिस्फैक्शन ही काफी होता है, राज्यपाल की का जो है रिपोर्ट होता है वो मैटर नहीं करता है। इसका मतलब यह हो गया कि आमतौर पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यपाल की रिपोर्ट के ऊपर में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है केवल, बल्कि राष्ट्रपति की स्वयं की सैटिस्फैक्शन भी जरूरी होता है, किसके लिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, ठीक है। इसका हम अगर बात करें तो हमारे यहाँ हमारे देश में अभी तक कुल 3 बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति ने बिना राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन को प्रोक्लेम कर दिया है, राष्ट्रपति शासन को लगा दिया है, ठीक है। सो 356 का ये आधार है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रही है। सो अनुच्छेद 356 ये कहता है कि ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, जस्ट अ सेकंड, सो एक तो हो गया किसके आधार पे, तो एक तो गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पे, और दूसरा विदाउट द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, ठीक है। सो इस दोनों आधार पे क्या होता है कि हमारे यहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से आपके ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट ऑलवेज प्रोक्लेम्स प्रेसिडेंट्स रूल ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, तो ओनली ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर अगर हो जाएगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे हिंदी में मैं ये कहूं कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन केवल या सिर्फ राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाते हैं तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल और केवल राष्ट्रपति क्या करेंगे, गवर्नर की रिपोर्ट पर नहीं करते, बल्कि उनकी रिपोर्ट के बिना भी कर सकते हैं यदि उनकी संतुष्टि हो तो, अगर उनको लगता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है तो ये कहता है 356। आइए हम लोग चर्चा करें 356 के बाद 365 क्या कहता है, ठीक है। और 365 साहब इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी फिर से चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। एक मिनट, देखिए 365 क्या कहता है, ये इस बार तरीके से समझ के रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। ये 365 ये कहता है, सेज दैट every state shall comply with all the directions given by union, and if any state fails to comply with the directions of the union, president can be satisfied that a situation has arisen in which the state government is not working in accordance with the constitution, and then he cannot proclaim president's rule. Iska matlab ye hai ki anuchhed 365 ye kehta hai ki agar kabhi bhi राज्य सरकार केंद्र के किसी भी दिशा निर्देश को अगर नहीं मानता है, अगर उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, उसका अनुसरण नहीं करता है, तो राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो सकता है कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई। अब यहां से आपको कुछ चीजों को जरूर आपको ध्यान में देना होगा। हाल हाल में जैसे मैंने यहां एग्जाम्पल भी कोट कर दिया है, केरला असेंबली पास्ड NTCAA रेजोल्यूशन इन असेंबली, यानी कि जो केरला है, केरल की विधानसभा ने क्या किया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध एक प्रस्ताव अपने विधानसभा में पारित किया है, ठीक है ना। और आपको यह भी मालूम है कि नागरिकता जो है वो किसका मामला है, संघ सूची का मामला है, यूनियनिस्ट का मामला है, यानी कि केंद्र का एब्सोल्यूट मामला है। इसके बावजूद भी
केंद्र केरला ने क्या किया है कि जो डायरेक्शन दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा या सेंटर के द्वारा उसको मानने से इनकार कर दिया। और इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति इस बात के लिए संतुष्ट हो सकते हैं कि केरला में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया है, इसकी सिफारिश भी नहीं की है और राष्ट्रपति ने भी नहीं किया है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो केरला असेंबली, सो ये एक ऐसा ग्राउंड बनता है जिस पे कि केरला ने नाफरमानी कर दी है संसद के द्वारा पारित किसी कानून के, केंद्र के द्वारा पारित किसी भी कानून के, केंद्र के किसी भी दिशा निर्देश के, और ये आधार बिल्कुल बनता है राष्ट्रपति शासन के लिए। हालांकि राष्ट्रपति ने इसके लिए राष्ट्रपति शासन इम्पोज नहीं किया, ना ही वहां के राज्यपाल ने इसकी सिफारिश करी है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे दूसरे स्टेट्स भी हैं जिन्होंने क्या किया है, जैसे वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, इन लोगों ने क्या किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ प्रस्ताव पारित करने की बात कही है और उनको लागू नहीं करने की बात कही है। ठीक है, हालांकि अभी वहां पर प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसकी नाफरमानी करने की बात कही है। ठीक है, सो अनुच्छेद 365 इस बार आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेसिडेंट रूल आपके एग्जामिनेशन में मुझे लगता है कि इस बार आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इस आर्टिकल को भी आपको ध्यान में रखना होगा, अनुच्छेद 365 को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पा रहे होंगे अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, 356 उसके अनुच्छेद 365 और इन तीनों में क्या संबंध है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल, अभी जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है इसकी भी चर्चा जरा हम लोग कर लें कि जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है ये कैसे करना होता है। ठीक है, देखिए अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, ठीक है ना, लागू हो गया, तो इसे संसद के द्वारा 2 महीनों के भीतर क्या करना होता है, इसे स्वीकृत करना होता है। लेकिन वो 2 महीना काउंट कब से होगा, किस डेट से होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि डेट ऑफ इशू जब से जो है इसको इशू कर दिया गया है, किसको, राष्ट्रपति शासन के लिए जो आपका गजट नोटिफाई हो गया है, तब से आपको क्या करना है, 2 महीने के भीतर आपको राष्ट्रपति शासन को स्वीकृत करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात हम लोग बात करें, इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज इशूड एट अ टाइम व्हेन लोकसभा हैज डिसॉल्वड or the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 2 months without the approving of the proclamation, it survives until 30 days from the full sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided the Raj Sabha approved it in the meantime. अब देखिए, अब एक बात की कल्पना कीजिए, जो अभी पूरा का पूरा प्रोविजन है, इसको मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में समझाता हूँ, सरल भाषा में समझाता हूँ, समझिए सभी भावी IAS लोग समझिए इस बात को। देखिए दरअसल क्या है कि ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ठीक है, लेकिन दो स्थितियाँ हमारे पास हो सकती हैं, वो स्थितियाँ क्या हैं, पहली स्थिति ये हो सकती है कि लोकसभा भंग हो जाए बिना इसको स्वीकृत किए हुए, संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों होता है, ठीक है, और लोकसभा मान लेते हैं भंग हो गया, ठीक है, हो गया अगर भंग तो फिर राष्ट्रपति शासन का क्या होगा भाई, वो कैसे कंटिन्यू करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि लोकसभा राष्ट्रपति शासन को अगर बिना क्या अनुमोदित किए हुए अगर भंग हो जाती है तो वो क्या करेगा, राज्यसभा क्या करेगा, उसको अनुमोदित करेगा, और जो राष्ट्रपति शासन है तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि लोकसभा वापस चुन करके ना आ जाए, ठीक है, और चुनने के बाद जब उसकी मीटिंग हो जाती है उसके बाद 1 महीने तक वो कंटिन्यू करेगा, उस 1 महीने के भीतर इसको क्या करना होगा, पास करना होगा, अन्यथा ये समाप्त हो जाएगा। यानी कि 2 स्थितियां हैं जिसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, पहली बात तो ये कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो इसे हर हालत में इसके डेट ऑफ इश्यू के बाद इसे 2 महीनों के भीतर इसे क्या करना होगा, पास किया जाना होगा, पारित किया जाना होगा। दूसरी स्थिति यह है कि अगर मान लेते लोकसभा भंग हो गई, अगर लोकसभा डिसॉल्व अगर हो गया तो क्या होगा, चिंता की बात नहीं है, राज्यसभा है ना, राज्यसभा उसको क्या करेगी, उसको पास कर देगी और लोग जो है आपका राष्ट्रपति शासन वो कंटिन्यू करेगा, और ये कंटिन्यू तब तक करेगा जब तक कि लोकसभा वापस रिकॉन्स्टिट्यूट ना हो जाए, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसको विद इन 1 मंथ इसको फिर से पास करना जरूरी होगा। ठीक है, इस प्रावधान को भी प्लीज और प्लीज ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए करंट में इंपॉर्टेंट इस बार होगा। ठीक है, सो आप समझ पा रहे होंगे कि इस बार राष्ट्रपति शासन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो बिल्कुल हम हैं, आप हैं, मिल करके हम लोग कामयाब होंगे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए सभी लोग। सो समझ में आ रहा है सभी लोगों को, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चलिए ग्रेट, नेक्स्ट आ जाइए साहब। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है, तो इसको भी देख लें हम लोग। देखिए जो राष्ट्रपति शासन है इसको अधिकतम 3 साल के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए स्थिति यह है कि इसको प्रत्येक 6-6 महीने पर संसद के द्वारा क्या करना होगा, अनुमोदित किया जाना होगा, और स्थिति मैंने बता दी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा ही इसको अनुमोदित करेगी, राज्यसभा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद इसके 30 दिनों के भीतर इसे फिर से पास करना जरूरी होगा। सो यहाँ 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मंथ इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 1 मंथ को याद जरूर रखिएगा। ठीक है, सो मैक्सिमम पीरियड 3 मंथ्स, 3 ईयर्स। ठीक है सर,
अब देखते हैं, एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल और इट्स कंटिन्यूएशन कैन बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। अब आपके लिए फिर से पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है ये कि इसको कैसे पास करना होगा, स्पेशल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, या स्टेट के रेटिफिकेशन के साथ भी। ठीक है, तो आप ये ध्यान में आपको रखना है कि राष्ट्रपति शासन का जो अनुमोदन करेगा, संसद करेगी, उसको साधारण बहुमत से किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? सो इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना जरूरी होगा। अब देखते हैं, अब देखिए, फिर से इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी फिर से आपके लिए। देखिए साहब, क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिए, हम लोग लोकतंत्र में, संसदीय शासन प्रणाली है हमारे यहां, केंद्र में भी और राज्य में भी। अब संसद के पास ये शक्ति है कि वो क्या कर सके, राष्ट्रपति शासन को कंटिन्यू करवाए। ठीक है, लेकिन क्या इस मामले में संसद निरंकुश है? क्या संसद के पास कोई शक्ति नहीं है? क्या पार्लियामेंट के पास अपनी कोई पावर नहीं है जिसकी वजह से जो इसके संसद के ऊपर में कोई नियंत्रण रखे? तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए दो आपके पास प्रोविजन है जो आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो पहला खुद संसदीय कार्यविधि के द्वारा, और दूसरा न्यायपालिका के द्वारा संसद के इस शक्ति के ऊपर अंकुश लगाया गया है, और ये दोनों के दोनों आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला इंपोज किया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, इसमें 78 में क्या कहा गया है, ठीक है, देखिए क्या है, टू एक्सटेंड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड वन ईयर देयर शुड बी द फॉलोइंग टू कंडीशंस। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, ठीक है ना, तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार पुनर्बहाल हो जाए राज्य में। कई बार ऐसा होता है कि आपने भी देखा होगा कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे भी कि अगर केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार है और राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार है, तो अक्सर वहां पर क्या होता है, टसल की स्थिति रहती है। ठीक है ना, आपस में तनाव बना रहता है, और कभी भी कोई कारण अगर पैदा अगर हो गया राज्य में, तो केंद्र सरकार वहां पर क्या करवाती है, राष्ट्रपति के थ्रू राष्ट्रपति शासन लागू करवा देती है, और राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग होता रहता है। तो इसी बात को लेकर के पहला तो संसद ने एक अपने एक कानून बनाया, और दूसरा न्यायपालिका के द्वारा एसआर बोम्मई केस में भी इसके ऊपर अंकुश लगाया गया। अब दोनों बातों को हम लोग समझने की चेष्टा करते हैं, क्या है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में यह बात कहा गया कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, तो उसको एक साल के बियॉन्ड इसको अगर कंटिन्यू रखने के लिए आपके पास दो विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। दो विशेष परिस्थितियां क्या हैं? पहली बात तो ये कि अगर राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है, और जो इलेक्शन कमीशन है यानी कि जो निर्वाचन आयोग है, उसको इस बात के लिए संतुष्टि अगर हो जाए कि यहां पर चुनाव करवाना निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संभव नहीं है, तो इस बात के लिए वो सिफारिश कर सकता है कि क्या करें, इसको प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू किया जाए। सो इस आधार पे राष्ट्रपति शासन उस राज्य में कंटिन्यू करेगा। पहला तो ये हो गया कि अगर विधानसभा का चुनाव करवाना है और निर्वाचन आयोग को इस बात के लिए कहीं से विश्वास नहीं है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाया जा सकता है, तो वहां क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। दूसरी बात, दूसरा यह है कि अगर आपके देश में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई है, देश में या देश के किसी भी हिस्से में, दोनों ही बात याद रखिएगा, ठीक है, देश में या देश के किसी हिस्से में अगर राष्ट्रीय शासन राष्ट्रीय आपात अगर लगा हुआ है, तो यह भी आधार बनता है कि उस राज्य में क्या किया जाए, प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करवाया जाए। सो ये दो जो है वो क्या है, रेस्ट्रेन है, जो अंकुश है किसके ऊपर में, संसद के ऊपर में लागू करके रखा गया है। ठीक है, चलिए आ जाइए। सो प्लीज स्टेशन को प्लीज लाइक और शेयर भी करते रहिएगा मैक्सिमम, ठीक है, प्लीज यार आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करते रहें प्लीज। नेक्स्ट आ जाइए, अभी देखते हैं साहब क्या है, ये रेस्ट्रेन हो गया, अब इसका रिवोकेशन यानी इसको कैसे वापस लिया जा सकता है, कैसे इसको रिवोक किया जा सकता है, तो ये देखते हैं कि इसको रिवोक करने के लिए प्रेसिडेंट रूल को एनी टाइम कभी भी राष्ट्रपति इसको क्या करेंगे, इसको रिवोक कर सकते हैं, इसको वापस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को लगता है कि राष्ट्रपति शासन को वापस लेना चाहिए, तो इसके लिए राष्ट्र संसद की अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं होती, इट डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और ये फिर आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण बनता है। सो यहां पर डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, संसद ये स्वीकृति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, सो अगेन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्लियर है ये चीज। ठीक है, सो प्लीज सभी लोग लाइक और शेयर भी करते रहिए प्लीज मैक्सिमम। सो रिवोकेशन हो गया आपका, नेक्स्ट आ जाइए। अभी इतने नटशेल में आप चिंता ना करें, सारे पूरा इमेज पूरी पिक्चर आपको दे दूंगा राष्ट्रपति शासन के बारे में। एक मिनट, चलिए आ जाइए सर, अब देखते हैं।
अब क्या इसकी न्यायिक समीक्षा संभव है? क्या न्यायिक समीक्षा संभव है? तो यहाँ पर मैं कुछ संसदीय कानून बनाए गए जिसमें बातें कही गई, वो बातों को हमें समझना है, और फिर खुद न्यायपालिका ने इसके ऊपर भी अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उस प्रोनाउंसमेंट को भी हमें समझना है। तो आप ये बात का ध्यान रखिए। पहला है संविधान संशोधन 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ठीक है ना, 1975 38th Amendment Act 1975। साहब ये क्या कहता है? जो 38th Amendment Act 1975 है उसमें ये कहा है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन जो है अगर है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल क्या है, फाइनल है, फाइनल और कंक्लूसिव है, ठीक है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यानी कि राष्ट्रपति को अगर लग गया कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है तो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं है, और वो राष्ट्रपति का जो शासन होगा वो फाइनल होगा, अंतिम निर्णय होगा, ठीक है ना, और इसको किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा कहा गया 38वें संविधान संशोधन में। कैनॉट बी चैलेंज, नॉट चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है, इस बात को याद रखें। लेकिन आगे चल करके क्या होता है, 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ये जो बात कही गई थी संसद के द्वारा, इसको उलट दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, और कहा कि नहीं, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये कहा गया और ये हेल्ड किया गया कि अब राष्ट्रपति का जो सेटिस्फैक्शन है, जिस आधार पर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसका मतलब आपको यह ध्यान में रखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की इस शक्ति को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो वह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। चलिए, सो इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे, नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए जुडिशियल, जुडिशरी का भी अपना इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। जुडिशरी ने भी क्या किया है, इसके ऊपर अपने कुछ निर्णय दिए हैं, कुछ अपने जजमेंट दिए हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो देखिए क्या है, देखिए साहब, एसआर बोम्बई केस है, एक एसआर बोम्बई केस है हमारे पास, यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994, ठीक है ना, एंड आर्टिकल 356, ठीक है। सो एसआर बोम्बई केस ये आपको याद रखना है, इसका ईयर याद रखना है 1994, अनुच्छेद 356 के संबंध में क्या कहता है, जुडिशियल इनिशिएटिव, इसमें यह कहा, वो था लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव, अब ये जुडिशियल इनिशिएटिव है। इसमें यह कहा है कि जो प्रेसिडेंट रूल है, जो राष्ट्रपति का शासन है, ठीक है ना, वो अगर राष्ट्रपति ने किसी भी गलत इरादे से अगर राष्ट्रपति शासन को लागू किया किसी राज्य में, गलत इरादा क्या हो सकता है कि आपको मालूम है कि राष्ट्रपति हर काम मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं, आपको बता रखा है मैंने, आप जानते भी हैं कि अगर कभी भी इनको मंत्रिपरिषद की गलत सलाह मिल गई, ठीक है ना, यानी किसी भी मैलाफाइड इंटेंशन की वजह से उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है, तो राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया जा सकता है, ऐसा एसआर बोम्बई केस में कहा था। और ये जजमेंट आपके लिए क्या हो सकता है, एग्जामिनेशन में का स्टेटमेंट हो सकता है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन ग्राउंड्स ऑफ नलिफाइड इंटेंशन, ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ये डन। दूसरा क्या है कि जो प्रोक्लेमेशन है शैल बी बेस्ड ऑन रेलिवेंट मटेरियल, रिलेवेंट मटेरियल पे होना चाहिए कि अगर इन्होंने कुछ लगाया है कि उनकी जो संतुष्टि है कि किस आधार पर उन्होंने राष्ट्रपति शासन को लगा दिया है, ठीक है ना, तो वो रिलेवेंट मैटर होना चाहिए। और सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को जस्टिफाई करे कि जिस आधार पे राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है वो न्यायोचित है, ठीक है ना, वो जस्टिफाइड है, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर क्या है, द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू रिवाइव डिसॉल्व और सस्पेंडेड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए, कभी अगर लग जाए कि किसी गलत इरादे से राष्ट्रपति शासन को इम्पोज कर दिया गया है, अगर इसको लागू कर दिया गया है, कभी इसको लगे कि इम्पोज कर दिया गया, गलत इरादे से कर दिया गया है, तो कोर्ट के पास इस जजमेंट के आधार पर अधिकार दिया गया है कि किसी राज्य में अगर सरकार को निलंबित कर दिया गया हो, सस्पेंड कर दिया गया हो, टर्मिनेट कर दिया गया हो, समाप्त कर दिया जाए, तो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट उसको रिवाइव भी कर सकती है। That is the judgment of SR Bombay case 1994, ठीक है। So ये इस judgment में बहुत ही important बात कही गई है, please please ध्यान में जरूर रखिएगा। So these are the SR Bombay case, ठीक है ना, जिसका ये judgment रहा हुआ, that is very very important boss, that is very very important, ठीक है। चलिए, So मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ये is it clear? अगर लगता है यार, please keep on liking यार, लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसके लिए एफर्ट किसके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको मैक्सिमम स्प्रेड कीजिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, अब देखते क्या है, देखिए साहब, अब देखते हैं
कि जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और उस आधार पे किसी राज्य की विधानसभा को क्या भंग कर दिया गया है, तो ये भंग करना अब संभव नहीं है इस सार्वभौमिक केस के अंतर्गत, बात ध्यान रखिएगा। इसके लिए अब पार्लियामेंट में कौन होता है, विपक्ष भी होता है, ठीक है ना। अब पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही किसी राज्य की विधानसभा को राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद डिसॉल्व किया जा सकता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो शासन है वो संसद के बिना अनुमति के क्या किया जाता है, डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्या है, इफ अ स्टेट गवर्नमेंट परसूज एंटी सेक्युलर पॉलिटिक्स इट प्रोवाइड्स अ ग्राउंड फॉर इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ये एसआर बोम्बई केस का जजमेंट है, इसको भी प्लीज ध्यान में रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कई बहुत सारे जजमेंट है लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं इस पर बता दे रहा हूं आपको, कि अगर कोई भी राज्य क्या करता है, अगर कोई धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध कार्य करता है, धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो यह भी आधार बनता है राष्ट्रपति शासन लागू करने का, ठीक है ना। और आपको यह इसलिए बनता है क्योंकि आपको शायद मालूम होगा कि जो राष्ट्रपति शासन है वो क्या है, हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। सो इफ अ स्टेट गवर्नमेंट परसूज एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स इट प्रोवाइड्स अ ग्राउंड फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है ना। तो ये आधार बनता है राष्ट्रपति शासन के लागू करने का, ये एसआर बोम्बई केस का जजमेंट है। प्लीज और प्लीज इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। पता नहीं क्यों इस बार मेरा कट फीलिंग आ रहा है कि इस बार ये भी आपके लिए पॉइंट में स्टेटमेंट हो सकता है अगर राष्ट्रपति शासन पूछा गया तो। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार धर्मनिरपेक्ष वर्सेस जो आपका रिलीजियस अप्रोच है ना, उसको लेकर के बहुत सारे मामले अभी आपके यहाँ अभी सोसाइटी में आपको देखने को मिल रहा है और इसको लेकर आप देख रहे हैं कि कितनी अफरा तफरी मची हुई है, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए आपके लिए यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए साहब, आप देखिए कुछ यहां पर प्रश्न भी बनते हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ प्रश्न बनते हैं, क्या एक कैन अ स्टेट असेंबली पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री लॉ, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबिलिटीज इफ अ स्टेट डज सो, डिस्कस द कोटिंग रिसेंट एग्जांपल्स। यहां पे एग्जांपल क्या कोट करना होगा आपको, ये कोट करना होगा केरला का, बात करनी होगी आपको क्या वेस्ट बंगाल की, बात करनी होगी पंजाब की। तो ये सारे के सारे एग्जांपल के साथ आप इसको कोट करेंगे, जो मेंस के समय मैं आपको क्या करूंगा डिस्कस करूंगा। ये अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपके लिए फ्रेम करके रख रहा हूं ताकि याद मिलिएगा, याद जरूर कीजिएगा कि मेंस के वक्त हमें ये सारी चीजें डिस्कस भी करनी है। सो वी आर इन फुल मूड, ठीक है ना। बस आपका साथ चाहिए, साथ देते रहिए, हम लोग रिजल्ट सुनिश्चित करते रहेंगे, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको देखिएगा मेंस में यहां से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी, इस टाइप के कुछ टेक्स्ट आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन ये अभी का नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा के बाद हम लोग बात करेंगे। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए भी अभी से ही आपके लिए तैयारी करनी शुरू कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए सब। अब देखिए एक चीज और ध्यान दूं, थोड़ा सा बात है अभी पीटी के समय भी आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्या होता है, ये आपको लोगों को ये मालूम ही होगा। सो ये जितने भी लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो कि ऑनलाइन जो लाइव नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना, उनके लिए ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक्सेस टू लेक्चर एनी टाइम एनी वेयर आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी जॉब वाले लोग हैं, अंडर जो एग्जामिनेशन वगैरह कोई दे रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी में है, अगर कॉलेज पास कर लिया है यूनिवर्सिटी में अगर है, तो कभी भी इस वीडियोज को वो देख सकते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन के थ्रू। ये सब इसका बेनिफिट होता है। सो सेव्स मनी, प्रिपरेशन विथ इमोशनल सिक्योरिटी, आप घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं, स्टे इन योर क्लाइमेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और बस छोटी सी जानकारी दे दूं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसके लिए जो कोड हमारा है वो है पवन10 का। अगर आपको लगता है कि आई कुड बी योर गाइड, यू कैन कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो, दिस इज माई कोड पवन10, डोंट फॉरगेट इट। चलिए आज आपका ज्यादा वक्त हम जाया नहीं करेंगे और आई होप कि आपके लिए ये सेशन काफी ज्यादा कारगर रहा होगा। ऐसे मैं पढ़ाता रहूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगी, चिंता ना करें आप, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।